गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑपरेशन थिएटर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि हम अलग अलग तरीके के जो ऑपरेशन या प्रोसीजर करते हैं भाई, कोई माइनर प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई मेजर प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई माइनर सर्जरी कर रहे हैं, कोई मेजर सर्जरी कर रहे हैं, तो उन सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में हम कौन कौन सी पोजिशन उन पेशेंट्स के अंदर लागू करते हैं, मतलब कौन कौन सी प्रोसीजर उन इंसानों को या उन पेशेंट्स को दी जाती है ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में। समझ में आ रहा है? तो कौन कौन सी ऐसी कंफर्टेबल पोजीशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट्स को देते हैं। अलग अलग प्रोसीजर में अलग अलग पोजीशन दी जाती है। समझ में आ रहा है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी पोजीशन दोगे, कौन सा ऑपरेशन किया है आपने, एब्डोमेन की सर्जरी की है तो कौन सा दोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो भी ऑर्गन होते हैं जेनाटेलिया, अगर उनकी आपने सर्जरी की है, उनका आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, उनकी जांच कर रहे हो, तो कौन सी पोजीशन देते हो, किडनी की जांच कर रहे हो या उसकी सर्जरी कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन देते हो, गले की सर्जरी कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन देते हो, सर की सर्जरी कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन देते हो, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है, पोजीशन दी जाती है, जिसके अंदर जिनको आप क्या बोलते हो, पोजीशन ऑफ पेशेंट फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए रोगी को कौन कौन सी पोजीशन दी जाती है, इनका वन बाय वन हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले क्या आती है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन सबसे पहले कौन सी स्थिति आ गई, सुपाइन पोजीशन। दूसरी क्या हो गई, लिथोटॉमी पोजीशन। तीसरी है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। चौथी क्या है, विपरीत मतलब रिवर्स ट्रेंडलर, जस्ट जो ट्रेंडलनबर्ग है उसकी जस्ट उल्टी पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। कौन नेक्स्ट कौन सी होगी, प्रोन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, रोज पोजीशन, लेटरल पोजीशन और सिम्स पोजीशन। अरे इन दो पोजीशन के अंदर तो हम सोते हैं, जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे इन दोनों पोजीशन के अंदर तो मोस्टली यही चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं। जब आप इनकी वो देखोगे ना इमेज, आपको पता चल जाएगा, हाँ मैं तो ऐसे ही सोता हूँ रात को, मैं तो ऐसे ही सोती हूँ रात को, वो आप इनमें पता कर लोगे। बट ये किसी किसी ऐसे प्रोसीजर या प्रक्रिया में काम ली जाती है। सुपाइन का मतलब क्या होता है, इंसान सीधा लेट है। लिथोटोमी का है तो इंसान सीधा, बट उसके जो लेग होते हैं वो क्या होते हैं, आगे एक स्लिंग लगी रहती है, उस स्लिंग पे लटके हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है, लिथोटोमी पोजीशन। अरे वो पोजीशन होती है, पढ़ाई होगा हमने, जो प्रसव के दौरान काम में ली जाती है। समझ में आ रहा है, प्रसव के दौरान काम में ली जाती है, वो कौन सी है, लिथोटॉमी पोजीशन। वो तो आपको भी पता है कौन सी है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है, इंसान तो सीधा लेटा हुआ है बट उसके जो पैर होते हैं ना, पेशेंट के जो पैर होते हैं, वहां वाले उस बेड को क्या किया जाता है, जैसे ये पूरा बेड है, इस पे पेशेंट सो रखा है, इधर पेशेंट का हेड है, इधर पेशेंट के पैर है, भाई ये सिर हो गया, ये पैर हो गया, मतलब पेशेंट को टेढ़ा कर दिया जाता है, ऑब्लिक पोजीशन में ला दिया जाता है बेड को। समझ में आ रहा है, ये बेड ऐसे कर दिया, आप पैर तो ऊपर हो गए और सिर क्या हो गया, नीचे, रिवर्स में जस्ट इसके उल्टा ऐसे हो जाता है, सिर ऊपर हो गया और पैर नीचे हो गए, बेड पे ही है ये नहीं कि बेड से नीचे लटका दिया, पूरा बेड को ही हिलाया जाता है। भाई आप घर पे सो रहे हो, आप चाहते हो कि थोड़ी सी गर्दन ऊपर रहे, तो जो बेड होती है, बेड के जो सिरहाने की तरफ की जो जगह होती है, वहां पे आप क्या करते हो, वहां की चारपाई के जस्ट नीचे कोई ईंट पत्थर या कोई ऊंची जगह लगा देते हो, जो क्या करता है वो ऊपर कर देता है, तकिया वाली चीज यहाँ नहीं आती है, तकिया लगा के सिर ऊंचा करना नहीं, पेशेंट तो सीधा ही रहेगा, पूरा बेड ही क्या करना है आपको हिलाना है, या तो उसके पैरों वाले साइड से ऐसे टेढ़ा कर दो या उसके सिर वाली साइड से टेढ़ा कर दो। प्रोन का मतलब होता है इंसान का उल्टा सोना, उल्टा लेटना। फाउलर पोजीशन का मतलब होता है
ये बेड है पेशेंट का, इस बेड को क्या कर दिया, सिरहाने को हमने इतना ऊंचा कर दिया, 90 डिग्री एंगल पे ले आए, या 45 डिग्री के एंगल पे ले आए, या फिर 15 डिग्री के एंगल पे ले आए। फाउलर में एक होता है हाई फाउलर, एक होता है सेमी फाउलर। हाई फाउलर का मतलब ये होता है पेशेंट को 45 से 90 डिग्री के बीच में सिर ऊंचा रखा जाता है, बैठा दिया जाता है बेड पे। समझ में आ रहा है, बेड पे बैठा के रखना है, या तो 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे। एक होता है 15 डिग्री पे, कि जरा सा ही थोड़ा सा क्या करना है, सिर को ऊंचा करना है। ये क्या हो गया, फाउलर और सेमी फाउलर। रोज पोजीशन में क्या होता है, ये कब करते हैं, जब गले की सर्जरी करते हैं। इसमें पेशेंट सीधा ही है, कंधों के नीचे दोनों साइड में तकिया लगाया जाता है, समझ में आया, और गर्दन के नीचे लगाया जाता है, और पूरी गर्दन को कैसे कर दिया जाता है, ऐसे पीछे की तरफ, समझ में आ रहा है, उस इंसान की गर्दन क्या कर दी जाती है, एकदम पीछे की तरफ। अब यहाँ नीचे क्या रहेगा, पिलो, और आपके शोल्डर कंधों के नीचे भी क्या रहेगा, पिलो। ये होता है रोज पोजीशन। पार्श्व लेटरल मैंने बता दिया, क्या करते हैं हम लोग, ये वाली सिचुएशन नहीं है कि एक हाथ एक साइड में होता है, एक हाथ और एक पैर ऊपर रहते हैं, तो भाई टेढ़े नहीं सोते हैं क्या हम लोग। और एक में ये हो गया कि तकिया वकिया लगा के पैरों के नीचे, हाथों के नीचे, फिर आराम से सोते हैं। ये दोनों पोजीशन क्या होती है, लेटरल और सिम्स पोजीशन। इनका जब आप वन बाय वन डायग्राम देखोगे, तो पहले हम पढ़ेंगे सुपाइन पोजीशन किस परिस्थिति के अंदर दी जाती है, कौन सी प्रक्रिया के अंदर सुपाइन पोजीशन को दिया जाता है पेशेंट को। इस स्थिति में कौन सी पोजीशन है, सुपाइन। इस स्थिति में रोगी को ऑपरेशन टेबल पर पीठ के बल सीधा लेटा दिया जाता है। पेशेंट को क्या करते हैं, पीठ के बल सीधा लेटाते हैं, फिर रोगी की एक भुजा को साइड में टेबल पर रख दिया जाता है, जबकि दूसरी भुजा को जिसमें आईवी लाइन लगी हुई है उसको आर्म बोर्ड पे रख दिया जाता है। भाई एक को तो बेड पे लगा दिया, दूसरी को जिसपे क्या करनी है वो लगानी है, मान लो ट्यूब वो लगानी है, आईवी कैनुला लगाना है, उसको जरा सा क्या करते हैं, नीचे आर्म बेड मतलब एक पिल्लो जैसा कुछ लगा देते हैं, ताकि हाथ क्या रहे, थोड़ा ऊपर रहे, वो लगा के रख दिया जाता है। ये मोस्टली हम लोग जब अब्डोमन की सर्जरी करते हैं, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट की कोई सर्जरी करते हैं, हाथ पैर की कोई सर्जरी करते हैं, उस दौरान सुपाइन पोजीशन प्रदान की जाती है। इज दैट क्लियर। सुपाइन पोजीशन कब दी जाती है, जब कोई हम लोग एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं, हाथ पैर की सर्जरी कर रहे हैं, चेस्ट की सर्जरी कर रहे हैं, उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। और ये पोजीशन दी कैसे जाती है, पेशेंट को पीठ के बल सीधा लेटा दिया जाता है, और दोनों हाथ एकदम सीधी पोजीशन के अंदर होते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, सुपाइन पोजीशन। इसका जब आप डायग्राम देखोगे, उस डायग्राम के अंदर देख लो, भाई साहब आराम से सो रहे हैं बेड पे, ये क्या हो गई, सुपाइन, सीधा ही है, देख लो बेड, ये बेड है, उस बेड पे आराम से सो रहे हैं, ये क्या हो गई, सुपाइन पोजीशन। जब हम यहाँ एब्डोमन की कब दे रहे हैं, एब्डोमन की आपने सर्जरी की, चेस्ट की आपने सर्जरी की, हाथ या पैरों की आपने सर्जरी की, इन सारी सर्जरियों के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। समझ में आ रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है, आराम से हम ओपन कर सकते हैं एब्डोमन को, चेस्ट को, हाथ पैरों को, सबकी क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में सर्जरी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। ये क्या हो गई, सुपाइन पोजीशन। सेकेंड वन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कौन सी, लिथोटॉमी पोजीशन को। लिथोटॉमी पोजीशन किस स्थिति में, कौन सी स्थिति है, जब रोगी सुपाइन पोजीशन की भांति तो पीठ के बल तो लेटा हुआ रहता है, लेकिन उसके आगे की ओर खिसका रहता है टेबल से, और उसके बटक से वो क्या होते हैं, ऑपरेशन टेबल के एकदम पैरों वाले सिरे पे आके रख दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है, अरे पेशेंट तो मान लो ये क्या है भाई, ये बेड है, देख लो ये मेरा हाथ बेड है, और ये क्या है, पेशेंट है। इस पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, या फिर ऐसे समझ लो ये बेड है, यहाँ पे पेशेंट सो रहा है, इस पेशेंट को टेबल के जस्ट ऐसे ला दिया जाता है। अब ये पेशेंट के पैर है,
और इन पेशेंट के पैरों को क्या किया जाएगा, फिर ऐसे ऊपर कर दिया जाएगा और आगे कहाँ लटका दिया जाता है, एक स्लिंग लटकी रहती है दोनों साइड में, तो दोनों पैरों को वहां टांग दिया जाएगा। ये होती है लिथोटॉमी पोजिशन। पेशेंट सीधा था, उसके बटक से किनारे पे आ गए हैं टेबल के। अब किनारे पे आएंगे, यहीं से पैर जुड़े रहते हैं और दोनों पैरों को क्या कर दिया जाता है, दोनों साइड में लटका दिया जाता है, उसको बोलते हैं लिथोटॉमी पोजिशन। मोस्टली ये प्रसव के दौरान काम में ली जाती है, या जब भी कोई वेजाइना का, पेरिनियल एरिया का, एनल केनाल का अगर इनकी जांच करनी है या इनका एग्जामिनेशन करना है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं वो हम क्या करते हैं, लिथोटॉमी पोजिशन के अंदर ही करते हैं। इसके लेग को सारा प्रदान करने के लिए हम दोनों लेगों को क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइरप रकाब निकले हुए रहते हैं वहां पे क्या कर दिए, डाल दिए जाते हैं। कब दी जाती है ये, जब भी प्रसव किया जा रहा है प्रसव के दौरान, जब भी वजाइना का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, सर्विक्स का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, एनल केनाल का एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जेनिटेलिया का जो एग्जामिनेशन किया जाएगा वो सारे किसमें करते हैं, लिथोटॉमी पोजिशन के अंदर। समझ में आया, इसका आप डायग्राम देखना लिथोटॉमी पोजिशन का, ये देख लो ऐसे उसके पैर है वो लटके हुए रहते हैं। पेशेंट बेड पे है, उसके पैर बटक्स कहाँ आ गए, कहाँ पे आ गए बटक्स, जस्ट टेबल के किनारे पे, और यहां से इन दोनों पैरों को क्या कर दिया, ऐसे टांग दिया। इसी को आप क्या बोलते हो, लिथोटॉमी पोजिशन। इज दैट क्लियर, ये क्या हो गई, लिथोटॉमी पोजिशन। लिथोटॉमी पोजिशन कब ली जाती है, किसके दौरान लेते हैं, ये सारा हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन की। ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन कब भी ली जाती है, रोगी को पीठ के बल सीधा लेटा रहता है, उसके पैर वाला भाग सिर वाले भाग की तुलना में थोड़ा ऊंचा होता है। अरे मैंने बता दिया था, पेशेंट के जो पैर वाला भाग है बेड का वो ऊंचा रहता है, कहाँ से, सिर की बजाय। इस स्थिति को प्रदान करने के लिए ऑपरेशन टेबल के सिर वाले हिस्से को क्या कर दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है। कब करते हैं, जब भी पेल्विस के भाग में सर्जरी करनी हो। कब, जब पेल्विक कैविटी में सर्जरी करनी हो, पेल्विस की सर्जरी करनी हो, श्रोणी मैकला जानते हो, जब उसकी सर्जरी करनी हो उस दौरान हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन लेते हैं। दूसरी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको बोलते हैं आप शॉक। शॉक का मतलब होता है पेशेंट के दिल के पास, हार्ट के पास प्रॉपर क्या हो रही है, सप्लाई नहीं जा पा रही है, फ्लूड नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी आप क्या कर दो, पेशेंट को टेढ़ा कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरों से सीधा सीधा कहां जाएगा, हार्ट के पास फ्लूड चला जाएगा। शॉक पोजीशन के अंदर भी, शॉक कंडीशन के अंदर भी हम लोग कौन सी पोजीशन देते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। पहली तो कौन सी, जब श्रोणी मैकला या पेल्विस की सर्जरी कर रहे हैं उस दौरान तो देनी ही देनी है, बट अगर पेशेंट शॉक में चला गया हो, मतलब उसको ब्लड सप्लाई या जो भी फ्लूड की सप्लाई हो रही है उसको हार्ट को नहीं हो पा रही है, तो आपको ही पता है भाई ब्लड कहाँ जा रहा है, पैरों में हाथों में जा रहा है। तो पेशेंट के अगर पैरों को ऊपर रखा जाएगा तो पैरों में नीड टिके वो कहाँ आएगा, वापस अपनी ऊपर वाली बॉडी की तरफ, तो वो क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा। फ्लो बढ़ेगा तो हार्ट के पास क्या पहुंच पाएगा, ब्लड ज्यादा पहुंचेगा और शॉक कंडीशन ठीक होने लग जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन देते हैं। इसकी अगर आप डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेशेंट को ना करके आपने क्या कर दिया, बेड को कर रखा है क्या, ये ऐसी पोजीशन के अंदर टेढ़ा ओब्लिक पोजीशन के अंदर बेड को कर रखा है। कहाँ कर रहे हैं, जब हम लोग श्रोणी मैकला की क्या करनी है, सर्जरी करनी है, या पेशेंट को क्या हो रखा है, शॉक हो रखा है। समझ में आया, ये सारी क्या हो गई आपकी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी की,
रिवर्स ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलरबर्ग का मतलब क्या होता है? ट्रेंडलरबर्ग के जस्ट उल्टी, जिसमें पैर ऊपर हो रखे थे, अब इसमें सिर को ऊपर कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यह स्थिति ट्रेंडलरबर्ग की ठीक विपरीत होती है। इस स्थिति में भी रोगी को पीठ के बल सीधा लेटाया जाता है, ऑपरेशन टेबल का सिर ऊंचा रखा जाता है। समझ में आ रहा है? और ये कब करते हैं? जब हम लोग सिर की सर्जरी करते हैं, जब लोग हम हेड की सर्जरी करते हैं, उस दौरान क्या किया जाता है? ये पोजीशन दी जाती है। समझ में आ रहा है? जब हम सिर की सर्जरी कर रहे हैं, उस दौरान हम ये पोजीशन देते हैं। पोजीशन क्या है? डायग्राम देखोगे, ये लो। अब क्या हो गया? बंदे का सिर ऊपर हो गया, पैर नीचे आ गए। ये हो गई रिवर्स ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट, अगर हम रिवर्स ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन के बाद में बात करें, तो ये क्या होती है? प्रोन पोजीशन। प्रोन का मतलब बंदा क्या है? उल्टा लेट रहा है। अरे इस स्थिति प्रोन पोजीशन कौन सी होती है? रोगी को क्या करते हैं? ऑपरेशन टेबल पर पेट के बल उल्टा लेटा दिया जाता है। पेट के बल क्या कर दिया जाता है? उल्टा लेटा दिया जाता है। आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए रोगी के सिर को एक दिशा में घुमाकर रखा जाता है। भाई मुंह ढके थोड़ी ना ऐसे रखोगे तो सांस कैसे आएगा बेचारे को? सिर साइड में घुमा दो, बागी उल्टे। आप उल्टे सोते हो तो सिर साइड में रहता है कि नहीं रहता? ये तो है नहीं कि आप तकिए के अंदर घुसा के रखते हो, सांस कैसे आएगा? तो उसको आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए उसका सिर क्या करते हैं? एक दिशा में घुमा देते हैं। रोगी की भुजाओं को आर्म बोर्ड पे रख दिया जाता है। कब करते हैं? जब भी थोरेसिक या लंबर वर्टिब्रा वाले भाग की, अरे मान लो स्पाइनल कॉर्ड की जब भी सर्जरी करनी होती है, समझ, रीढ़ की हड्डी होती है ना, जब भी उसकी सर्जरी करनी होती है, तब हम कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं। समझ में आप लोगों को? प्रोन पोजीशन कब दी जाती है? जब इंसान को क्या करनी है? रीढ़ की हड्डी या किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करवानी है। समझ में आया? उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं। बटक्स की सर्जरी होनी होती है, तब भी हम इसी पोजीशन को देते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गई? प्रोन पोजीशन। डायग्राम अगर आप इसका देखोगे तो ये देख लो, मासे जी उल्टे लेट रहे हैं। समझ में आया? उल्टे लेट रहे हैं। पैरों के नीचे क्या है? तकिया है। पैर के नीचे भी तकिया लगाया गया, पेट के नीचे भी तकिया लगा रखा है, और सिर के नीचे भी तकिया लगा रखा है। दोनों हाथ आगे आराम से पड़े हैं। ये इसलिए लगाया है ताकि ये एरिया थोड़ा क्या हो, ऊपर की तरफ उठ जाए और आप सर्जरी आराम से कर सको। समझ में आया? प्रोन पोजीशन कब देते हैं? जब हम लोग इस एरिया की सर्जरी करते हैं। समझ में आया? इतने एरिया की जब सर्जरी करते हैं तब हम प्रोन पोजीशन देते हैं। समझ में आया? और वो ये पिलोज इसलिए लगाए गए हैं ताकि वहां पे क्या हो, एरिया थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहे और सर्जरी में आसानी रहे। ये यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि बंदे को क्या मिले, आराम मिले। समझ में आया? तकिया। और ये यहाँ पे इसलिए लगा रहा कि जो फुट एंड होता है बेड के, वो कभी कभी पैर को चोट भी पहुंचा सकते हैं, उस चोट से बचने के लिए ये लगाया जाता है। समझ में आया? ये क्या हो गई? प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट, अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो क्या हो गई? फाउलर। फाउलर का मतलब होता है बेड पे हम लोग क्या करते हैं, बंदे को सीधा बैठा देते हैं। फाउलर पोजीशन ये मोस्टली तो हम उस टाइम पे करते हैं जब, अच्छा अब जब हम सो रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम सीधे बैठते हैं ना बेड पे। आ रही बात समझ में? भाई हम सो गए, सांस नहीं आ रहा है, तो हम सांस लेने के सोए तो रहते हैं, हम या तो खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं बेड पे। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है? फाउलर पोजीशन। इस स्थिति में पहले रोगी को ऑपरेशन टेबल पे पहले तो लिटाया जाता है सीधी पोजीशन पर, फिर उसके बाद टेबल के हेड वाले सिरे को धीरे धीरे 45 डिग्री के कोण तक उठा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 45 डिग्री के कोण तक पेशेंट के सिर वाले सिरे को उठा दिया जाता है।
उसी को आप क्या बोलते हो, फाउलर। अब इसमें दो आते हैं, एक होता है हाई फाउलर और सेमी फाउलर आगे आएगी। हाई फाउलर में क्या होता है, टेबल के सिरे को 90 डिग्री के कोण पे उठा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ये भाई टेबल है, आपको पता है जो टेबल होती है वो टेबल यहाँ से बीच से कोई जॉइंट रहता है। आजकल ऐसी मशीनें लाइट से भी बेड को क्या करते हो आप, सीधा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस बेड को आपने यहाँ से लेते लेते कहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे पेशेंट सो रहा है और ये पेशेंट के पैर हो गए, समझ में आया, ये क्या हो गई, फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर के अंदर क्या होता है, ये बेड था, इस बेड को आपने क्या किया, यहाँ वाले कॉर्नर से लाके यहाँ तक ले आए इस पोजीशन के अंदर, मतलब 90 डिग्री पे। अब ये तो पेशेंट है, ये यहाँ पे बैठा है और ये इसके पैर हो गए, इज दैट क्लियर। ये क्या हो गई, हाई फाउलर। ये फाउलर है 45 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, हाई फाउलर। सेमी फाउलर के ये क्या करते हैं, ऊपरी आधा भाग क्या करते हैं, टांगों के साथ 90 डिग्री के कोण पे बनाते हुए रखा जाता है। ये हो गई हाई फाउलर और सेमी फाउलर। यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये पेशेंट यहां से देखो, ये यहां से तो सीधा ही लेट रहा है, यहां से इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे ले आए, ये क्या हो गई, फाउलर पोजीशन। अब अगर इसी को आप यहां तक ले आते बेड को, ठीक है, 90 डिग्री पे, और यहाँ पे ये पेशेंट था, ये ऐसे बैठा हुआ है, ये इसके हाथ हो गए इधर साइड से और ये पैर, ये समझ में आया, ये पेशेंट यहाँ बैठा दिया और इसके पैर ऐसे सीधे कर दिए, समझ में आया आप लोगों को। वो क्या होती है, हाई फाउलर। ये हो गई फाउलर, ये हो गई हाई फाउलर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, सेमी फाउलर की, तो ये उसी की जैसी है कि वो 45 डिग्री से भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सेमी फाउलर की अगर बात करेंगे तो इस स्थिति में रोगी को ऑपरेशन टेबल पर पीठ के बल क्या करते हैं, 45 से 15 डिग्री के कोण पर उसके सिर को उठा दिया जाता है। भाई पेशेंट को पीठ के बल टेबल पर लेटा तो दिया है हमने, बट उसके जो सिर वाला हिस्सा है उसको 45 से 15 डिग्री के कोण पर ऊपर उठा दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेमी फाउलर। भाई फाउलर का आधा सेमी, समझ में आ रहा है, फाउलर का आधा क्या हो गया, सेमी, उसको आप क्या बोलते हो, सेमी फाउलर पोजीशन। ये हो गई रोज पोजीशन। रोज पोजीशन को का मतलब क्या होता है, पीठ के बल सीधा लेटा दिया जाता है, उसके बाद स्केपुला के बीच एक रोल्ड सीट रख दी जाती है, ऐसा करने से गर्दन अब एक्सटेंड हो जाती है। अरे यहाँ पे मान लो कोई तकिया है, उसको रोल करके आपने गर्दन पे नीचे रख दिया, तो गर्दन आराम से क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी और दर्द भी कम होगा उसको, और बिना कुछ लगाए आप पीछे लेके जाओगे तो दर्द ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। तो एक रोल्ड सीट लगा देते हैं जिससे क्या होता है, गर्दन एक्सटेंड हो जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी और ऑपरेशन वाला स्थान अच्छी तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। भाई ऐसे परिस्थिति में आप सर्जरी कर रहे हो गले की, तो दिख ही नहीं रहा है, इसने तो क्या कर लिया, ठुड्डी ने उस जगह को घेर लिया, तो अगर आप ठुड्डी को पीछे लेके जाओगे तो ये एरिया अब आपको आराम से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। कब करते हैं, जब भी ट्रेकियोस्टोमी या गले की सर्जरी या थायराइड की सर्जरी करते हैं उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, अरे जब श्वास नली की सर्जरी करते हैं, थायराइड की सर्जरी करते हैं या गले की भी कोई भी सर्जरी करते हैं उस दौरान हम इस पोजीशन को काम में लेते हैं। अब इस गले की कोई भी सर्जरी हो, कोई सी भी, उन सब में क्या लिया जाएगा, रोज पोजीशन काम में ली जाएगी, समझ में आया। रोज पोजीशन के अंदर अगर आप देखोगे डायग्राम, तो डायग्राम में आप सीधा सीधा देख सकते हो, ये रहा इंसान, ये इंसान का क्या है, सिर है, ये यहाँ पे इसका गला हो गया, ये गर्दन है और इस गर्दन के नीचे आपने शील्ड लगा दी है, जिसकी वजह से इसकी गर्दन क्या हो जाएगी, आराम से पीछे से। अब अगर आप ये नहीं लगाओगे तो गर्दन तो ऐसी रहेगी, तो चीज दिखेगी कैसे आपको, किसकी सर्जरी करोगी, दिख ही नहीं रही है। तो आराम से देखने के लिए आप क्या करो, कुछ लगा दो पीछे ताकि गर्दन आराम से चली जाए, इसी को आप क्या बोलते हो, रोज पोजीशन। समझ में आ रहा है, क्या बोला जाता है, रोज पोजीशन किसमें काम में ली जाती है,
नेक की जितनी भी सर्जरियां होती है, गले की जितनी भी सर्जरी होती है उनमें काम ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेटरल पोजीशन और सीम्स पोजीशन दो ही बची है कि भाई लेटरल पोजीशन पार्श्व स्थिति कौन सी होती है और सीम्स पोजीशन कौन सी होती है। इस स्थिति में रोगी क्या होता है नॉन ऑपरेटिव साइड में, भाई जिस साइड का ऑपरेशन करना होता है उस साइड में नहीं दूसरी साइड में वो लेटा रहता है। इस स्थिति में नॉन ऑपरेटिव साइड में एक और करवट दिलाकर लेटा दिया जाता है। करवट दिलाई जाती है पेशेंट को, किडनी से संबंधित जितनी भी सर्जरी होती है उसके दौरान इसका उपयोग किया जाता है। अरे भाई करवट लेके सोना, चाहे वो राइट साइड की करवट ले रहे हो या लेफ्ट साइड की, भाई जिस साइड की आपको सर्जरी करनी है उस साइड को आपको ऊपर रखना है और जिसकी नहीं करनी है उसको नीचे रखना है। तो जहां जिस साइड में ऑपरेशन करना है उस साइड को ऊपर रखो, बाकी दूसरे साइड में सो जाओ। तो अगर लेफ्ट साइड की किडनी की सर्जरी करनी है तो राइट करवट ले लो, और अगर राइट की करनी है तो लेफ्ट करवट ले लो। लास्ट वन क्या आ गई, सीम्स पोजीशन। इस स्थिति में रोगी को ऑपरेशन टेबल पर बाई करवट दिलाकर लेटा दिया जाता है और उसकी जो बाई लेग लेफ्ट लेग होता है वो तो सीधी रहती है, जबकि राइट लेग क्या होती है घुटने से भी मतलब एब्डोमेन की ओर ऊपर मुड़ी हुई रह जाती है। अरे बंदा क्या है करवट लेके तो सो रहा है, पर अब जब हम सोते हैं ना तो हमारे भाई ये जैसे मतलब ये करवट ली हमने, बाई करवट ले ली, अब बाई करवट ली तो बाई करवट का पैर तो सीधा ही रहेगा, पर जो दाई साइड का जो पैर है वो क्या आ जाता है आगे की तरफ आता है, वहां हम पिलो लगा के सोते हैं। सोते हैं कि नहीं सोते हैं? ये क्या हो गई सिम्स पोजीशन। यहाँ पे अगर आप दोनों का डायग्राम देखोगे, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन या पार्श्व पोजीशन। समझ में आ रहा है पार्श्व पोजीशन और लेटरल पोजीशन किसको बोलते हैं? इसमें देखो पेशेंट करवट लेके सो रहा है। अगर आगे वाली देखी जाए दोनों में फर्क देखना है, दोनों में करवट लेके सोना, बट ये इसमें ऐसे हो जाता है, देखो ये वाला पैर इसका क्या आ गया आगे आ गया, उसमें तो दोनों पैर ऐसे सीधे थे, इसमें एक पैर क्या आ गया, एक तो देखो सीधा है, एक पैर जिस साइड की करवट है उस साइड का पैर सीधा है, दूसरी साइड का पैर क्या हो गया आगे आ गया। तकिया देखो एक तो यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, तीन तीन तकिया लगा के हम लोग सोते हैं, ये क्या हो गई सीम्स पोजिशन। ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं एनल एरिया का, ठीक है एनल एरिया का जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उस दौरान ये पोजीशन दी जाती है। एनल एरिया का जब भी एग्जामिनेशन किया जाएगा उस दौरान ये पोजीशन है वो सिम्स पोजीशन दी जाती है। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए सिम्स पोजीशन। इज दैट क्लियर? सारी पोजीशन आपको समझ में आए? कौन कौन सी पढ़ ली? सुपाइन पोजीशन पढ़ा था, लेथोटॉमी, ट्रेंडलर बॉग, रिवर्स ट्रेंडलर बॉग, प्रॉन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, सिम्स पोजीशन, और भी मतलब रोज पोजीशन, ये इतनी सारी हमने क्या कर ली पोजीशन पढ़ ली, और इन पोजीशन को हम कब कब कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं वो सारा हमने विथ डायग्राम यहाँ पे देख लिया। आई थिंक ये इतनी पोजीशंस आपको समझ में आई होंगी, आई होप क्लियरली समझ में आई होंगी। बाकी की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।